यहाँ हाथ रखो, थोड़ी फीलिंग्स तो दो मुझे, थोड़ी फीलिंग्स तो दो मुझे, यहाँ हाथ रखो। धूप में बाहर न जाओ रूप की रानी, गोरा रंग दियो। हाय रिट्स। हेलो, कैसे हो? ठीक। नाम क्या तुम्हारा? आशु। आशु रिट्स नाम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई समस्या ही नहीं आएगी किसी प्रकार की भी। मतलब? अच्छा तुम ये बताओ कहाँ पे रहती हो तुम? ये पीछे। अभी तक इतनी दिखी तो नहीं मुझे इतने दिनों से तुम। मैं तो आती हूँ, आपने नहीं देखो। आज तो मेरे भाग्य खुल गए कि मुझे तुम मिल गई हो। मतलब क्या है तुम्हारा? यार आज पता क्या हुआ है, सुबह सुबह, अब देखो मुझे पता तुम्हें अजीब लग रहा होगा, जान पहचान है नहीं हमारी, हम जानते तो यानी दूसरे को, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी शेयर कर देती हूँ। पता नहीं तुम्हारे पास आते ना मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि एक होता है ना कि अपना पिछले जन्म का, 7 जन्मों का 8 जन्मों का रिश्ता है अपना, तो फिर इसलिए मैं तुमसे शेयर कर देती हूँ। पता क्या, आज मेरा 10:01 पे ब्रेकअप हो गया है। हाँ तुम्हारा बंदा बंदा है क्या? नहीं नहीं, तो यार बना लो बंदा। अभी ब्रेकअप हुआ है मेरा, तो मैं तुम्हें शेयर कर देती हूँ कि मेरा ना 10:01 पे ब्रेकअप हुआ है ठीक है। और भाई ब्रेकअप क्यों हुआ? इसलिए हुआ है क्योंकि यार आज वो शादी है उसकी, आज वो शादी कर रही है। हाँ शादी कर रही है वो। क्या तुम अब समझ जाओ ना, शादी कर रही है तो मतलब मेरी बंदी थी ना यार, तुम्हारी मतलब मैं एक लड़की हूँ। हाँ। मेरी बंदी थी तो क्या हुई मेरी? ओ माय गॉड, लड़की लड़की। अरे यार इतना ओवर एक्टिव कर रही हो, आजकल तो ये सब लीगल है यार। ओ माय गॉड, मतलब चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे हाथ वाथ कहीं नहीं लगाऊंगी, लेकिन वैसे बात तो कर ही सकती हूँ ना, बात बता रही हूँ तो पास आके करूंगी ना, दूर से तो बात भी तुम्हारी तक जाएगी ना। अब यार पता क्या है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा सैड सॉन्ग सुन रही हूँ उसके जाने के बाद। अब उसकी शादी हो रही है आज, अब घर वाले एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे कि लड़की लड़की है, शादी क्या करना, शादी नहीं कर सकते तुम लोग, समाज में क्या इज्जत रहेगी, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, वही वो तुम्हारी धक्के अनुसार सोच लोगों की, तुम्हें तो पता ही है। पर अब देखो, तो आप मेरे पास क्यों आए हो? अब मैं तुमसे अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ यार। नहीं नहीं करना आपके साथ यार, इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए ना कि मैं तुमसे अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ, तुम सुन लो किसी की। मैं वैसे परेशान हूँ, रो रो के आई हूँ, मेरी आंखें देख रही हो, सूज सूज के मोटी हो चुकी है। मुझे नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा यार, तुम उस नजर से नहीं देख रही ना जिस नजर से मैं तुम्हें देख रही हूँ। अच्छा सुनो, मैं पता क्या सोच रही थी कि मैं ना तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, सीरियसली बता रही हूँ, पर ना मेरे को ना अब उसके गम ने ना मुझे इतना पागल कर दिया, इतना संकी कर दिया कि मुझे ना गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगा और मैं चिड़चिड़ी हो गई। तो मुझे ना गुस्सा उतारने नहीं, नहीं मैं गुस्सा उतारने नहीं आई, मैं तुमसे तो प्यार जताने आई हूँ, प्यार करने आई हूँ तुम्हें। प्यार करने आई हूँ मतलब क्या है आपका? मेरा मतलब है कि प्यार मतलब मेरे को रिलैक्स चाहिए, अब जैसे मैं इतनी देर से परेशान हो रही हूँ। रिलैक्स मतलब एक तुम अगर छोटी सी किस कर दोगी ना, पागल हो गया यार, अगर छोटी सी किस कर दोगी ना तो सीरियसली प्लीज आप मुझे रिलैक्स मिल जाएगा। अगर तुम्हारा एक चुम्मा देने से किसी का जीवन सफल हो रहा है। सॉरी मुझे नहीं देना, देखो बहुत सारी लड़कियां घूम रही हैं उसके पास। अब तुम्हारी जैसे नहीं है, ऐसे तो 36 लड़कियां तुम्हारे लिए मैं यूं छोड़ दूं यार। अब तुम्हारी जैसे कहीं नजर नहीं आई और तुम्हें मैं देख के शॉक्ड हो गई कि भाई ऐसी लड़की तो मैंने साले पूरी साउथ एक्स में देखी नहीं है और तुम जैसी है ही नहीं कोई, सच में बहुत कोई मिल जाएगी। पता है तुम्हारे बाल भी इतने ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं ना, तुम मतलब सर से पाप तक तुम्हारी हाइट कते से है यार। पता है जब हम लोग बेड पे होगे ना मैं सेटिस्फाई भी बहुत अच्छा। क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूं। नहीं मुझे नहीं होना। जब हम बेड पे होगे ना तुम चुप हो जाओ यार, सुनो तो सही, एक बार सुन तो लो, बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत अच्छे से रिलैक्स कर सकती हूँ, पता तुम्हें सेटिस्फाई करूंगी प्रॉपर तरीके से, तुम बहुत खुश होगे, तुम बंदा बनाने की कभी जीवन में सोचोगी नहीं यार। प्लीज मेरे ऐसे थिंग्स नहीं है ना, बन जाएगी ना ऐसी बनाएगी ना। अरे यार एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है? नहीं मैं खुश हूँ, मैं कर लूँ, जिंदगी में एक बार ट्राई तो करनी चाहिए ना चीजें। अब क्या बंदा बंदा पकड़ के तुम बोर नहीं हो जाती क्या? नहीं। अरे इंसान तो बोर हो जाता है यार। कैसी इंसान हो तुम यार, मैं थोड़ी अजीब तरीके की इंसान हूँ, वो बोलते है ना जिसको तुम्हारे, अरे वो बोलते है ना जिसको लेस्बियन ना, यार इसमें छी छी क्यों कर रही हो यार? अच्छा देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ना बहुत अच्छा ऑफर है। नहीं मुझे कोई ऑफर नहीं चाहिए। अगर तुम सुन लोगी तो तुम्हारा ही बेनिफिट है इसमें। नहीं नहीं अच्छा सुन तो लो, ऑफर क्या है, ऑफर क्या है ये तो सुन लो। नहीं सुनना मुझे। पता है क्या है, तुम्हें ना मुझे एक चुम्मा देने पे ना बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और फायदा क्या हो मैं बता रही हूँ, फायदा होने वाला है कि देखो मैंने अभी भी ना ये परसों ही लिया आईफोन 11 प्रो, ओके ये देखो, पता होगा 1 लाख का फोन है, देखे अब तक 1 लाख रुपए।
एक लाख रुपए देखे हैं, दिखाना जेब में कितने ले रही हूँ। हाँ तो मेरे पास 1,00,000+ का फोन है। तो मैं तुम्हारी बंदी ने दिया होगा तुम्हें। ओ हेलो, ये मैंने अपनी खुद की कमाई से लिया है। मैं उसको भी बहुत खुश रखती थी और तुम्हें बहुत खुश रखना चाहती हूँ। मेरा बंदा मुझे रख सकता है खुश। अरे छोड़ो यार, बंदे से तो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया हमेशा। क्या बंदा क्या करोगी यार पैचअप करके। मैं तुम्हें इतना, मैं मतलब तुम्हें चीज दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास खूब पैसा है, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम, चले जाओ, सब कुछ है। और तुम्हें इतना खुश रखूंगी ना, तुम्हारा बंदा भी नहीं रख पाएगा। तुम्हारे बंदे की तो इतनी औकात ही नहीं होगी मेरे सामने। इतना पैसा है मेरे पास, मेरा अकाउंट बैलेंस पता है कितना है तुम्हें? बताओगी तब? 0000000000000, समझे कितनी जीरो है? समझे कितनी, कितना मतलब अरबपति हूँ मैं। और मेरे साथ तुम रह के बहुत खुश रहोगी। मैं यही तो रहती हूँ तुम्हारे सामने वाली खिड़की में, मेरी सामने घर के सामने वाली खिड़की। मुझे फॉलो कर रही हो? मैं कब से तुम्हें स्टॉक कर रही हूँ? तुम पार्क में? ब्रेकअप तो तुम्हारा आज हुआ है। अरे ब्रेकअप आज हुआ है तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ। मतलब देख लो इस चीज से मैं कितना लॉयल हूँ तुम्हारे लिए, और उसके लिए भी कितना थी। तो सोचो मैं तुम्हें कितना खुश रखूंगी। मैं इधर उधर और लड़कियों को भी नहीं ताकूंगी यार, ये कितनी लड़कियां घूमेंगी ना मेरे अंदर, वो फीलिंग छोटे छोटे कपड़ों वाली शॉर्ट्स वाली आएगी ना फीलिंग्स। मैं मेरे में ऐसे, मेरे पास ऐसी निंजा टेक्निक्स है ब्रो कि मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगी ना तुम सोच भी नहीं सकते। टेक्निक्स है मेरे पास अलग अलग, अलग अलग तरीके की टेक्निक्स। बहुत मजा आएगा तुम्हें। और अच्छा तुम्हारे, तुम्हारे लिए ना एक ऑफर है मेरे पास। अगर तुम नहीं मान रही, अभी भी अरबपति बता दिया मैंने तुम्हें, अरबपति मेरे पास खूब पैसा है, ऐशो आराम, बंगला, गाड़ी, सब कुछ, सब कुछ है। BMW तो मेरे घर के नीचे खड़ी है, जो तुम्हारा घर है ना उसके सामने वाला घर है। अच्छा, आपकी है वो? हाँ जी, वो मेरी है, ब्लैक कलर की, आप समझी। तो यार मेरे पास ना एक ऑफर है, अब मैंने 11 Pro लिया जैसे परसों ही लिया, 1,00,000+ का फोन है। तो मैं तुम्हें ना ये गिफ्ट कर सकती हूँ यार, इतना तो कर ही सकती हूँ, अब इतने पैसे है तो मेरे पास। तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर देती हूँ, तुम मुझे बस थोड़ा सा रिलैक्स दे दो यार। अब जैसे ब्रेकअप हुआ है तो बंदा होता है ना उन गमों से बाहर आना चाहता है, और वो गम मेरे तुम ही दूर कर सकती हो क्योंकि तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हूँ मैं, और कोई लड़की मुझे पसंद आई नहीं है यार। तुम एक छोटा सा चुम्मा, एक छोटी सी किस दे दोगी ना? मतलब मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ आपको किस कैसे दे सकते हो? iPhone 11 Pro दे रही हूँ ब्रो तुम्हें, 11 Pro। तो ये कौन सा फोन ले रखा है? शिट यार, सैमसंग का, ये तो चाइनीज फोन है। कब कब यार, शिट, सारी डिस्प्ले इसकी क्रैक है। होगा ये 4,000 कुछ का। कैसा भी है तो सोचो ना, तुम्हें 11 प्रो मिल रहा है, क्या कोई कंपैरिजन है क्या कोई इसका सैमसंग और आईफोन का? सोचो, ये सैमसंग तो बहुत पहले चलाते थे लोग, चाइनीज फोन कहते हैं इसको। कोई बात नहीं, मैं इसमें खुश हूँ। सोच लो यार, तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स कभी नहीं आएंगे। फुल खुश रखूंगी तुम्हें, पैसों में कोई कमी नहीं है। ब्रांडेड कपड़े पहनोगी, जूते ब्रांडेड पहनोगी, तुम्हारा जो ये बाल थोड़े अच्छे लग रहे हैं ना, और भी अच्छे करा सकती हूँ मैं, इतना पैसा है मेरे पास। तो तुम अभी तो फिलहाल एक किस दे दोगी और बात कर, किसके बदला तुम ये फोन दोगी? हाँ सीरियसली, मैं तुम्हें वाला फोन सच में दूंगी। मैं मजाक नहीं करी, मैं मजाक नहीं करती, Redseven नाम है मेरा। एक बार जो कमिटमेंट कर दी सो कर दी, बिल्कुल नया है, काचा फोन। तो अगर मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम्हें क्या करना है यार? कितने सेकंड की स्मूच होती है? स्मूच नहीं मतलब एक छोटा सा लिप टू लिप किस चाहिए। अगर तुम मेरे को दे दोगी ना, तो मैं तुम्हें सच, लोग क्या कहेंगे देख रही हो? अब लोगों का क्या काम है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज के टाइम में तुम लोगों की सुनोगी क्या? मेरी फ्रेंड्स आने वाली, मैं उनका वेट करने तक तो सारा काम तमाम हो जाएगा। तुम्हें पता 3 मिनट के अंदर तो हम क्या से क्या कर सकते हैं यार। देखो कॉल भी आ गया उनका, काट कट कर दो, कट कर दो यार, 11 प्रो हाथ से निकल जाएगा। सोचो एक छोटा सा चुम्मा ही तो मांग रही हूँ। वो गाना सुना है तुमने, तेरे चुम्मे में चमन प्रश है, ऐसा ही कुछ सीन है तुम्हारे साथ। कुछ समझ नहीं आ रहा, और किसी के लिप टू लिप वो वाली फीलिंग ही नहीं आई, और पक्का तुम्हें देख के लग रहा है कि आएगी। और 11 प्रो दे रही हूँ भाई साहब, और सोचो ये तो बस शुरुआत है हमारे रिलेशन की। आगे आगे देखो तुम्हें क्या क्या गिफ्ट दूंगी मैं। ये देखो मैंने अभी एप्पल की वॉच पहन रखी है, एप्पल की वॉच भी तुम चाहती हो तो ये लो यार, एप्पल की वॉच भी ले लो, ये तुम्हारे लिए है सब। ये दोनों मैं तुम्हें दे रही हूँ यार, मजाक नहीं कर रही, बस एक चुम्मा ही तो मांग रही हूँ छोटा सा। ओके, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें? हाँ बस 2 सेकंड का, 2 सेकंड का, अरे 2 सेकंड में यही हो जाता है यार। करेंगे नहीं ना यार, छोटी चीज थोड़ा दे रही हूँ, अगर थोड़ा बहुत ये कहते हैं ना 10-11 सेकंड का भी हो जाएगा ना तो पक्का यार। ये अब तुम्हें तो वॉच भी ऑफर कर दी आईफोन के साथ फ्री, एप्पल वॉच, इतना तो कर ही सकती हो यार। अब बस करो यार, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा यार, अब कंट्रोल भी नहीं हो रहा मुझसे, प्लीज यार। और तुम्हें अच्छी लग रही क्या? देखो ना, तुम भी बम्प, मैं भी बम्प, तुम भी माल। मेरी वाली फीलिंग्स आ जाएगी ना, फीलिंग्स माल कर रही हो यार। पैसे देख के सब फीलिंग्स बदल जाती है, समझो बात को, पैसा एक ऐसी चीज है ना सब बदल देता है। नहीं
आओ ना यार, इतना क्या, पक्का दे दूंगी मैं तुम्हें आईफोन 11 प्रो, पक्का मेरा, पक्का तुम्हारा, 100%, 110%। मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, और मुझे इन छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अभी जाके सामने एप्पल का शोरूम है, मैं एक और ले लूंगी यार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पक्का दिला दूंगी यार, मतलब तुम रेडी हो, मतलब मुझे एक फाइनली हम सफर मिल ही गया है ना, हम सफर, किसके लिए रेडी हो? आने वाले टाइम में ना जब पैसा दिखेगा ना, तुम हर चीज के लिए रेडी हो जाओगी, समझो। वो मैं अपने आप कर लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। पर अब फिर इट्स टाइम, ठीक है, कोई नहीं देख रहा, भूल जा सबको यहाँ पे, मुझे बस रिलैक्स देने के लिए तुम किस कर लो, आओ ना फिर। ओह नो, ऐसे नहीं करना ना, यहाँ ये रखो, यहाँ पे यहाँ हाथ रखो, थोड़ी फीलिंग्स तो दो मुझे, थोड़ी फीलिंग्स तो दो मुझे, यहाँ हाथ रखो, तो कैसा लगा तुम्हें? ठीक लगा, तो मैं ये रख रही हूँ। हाँ तुम ये रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं जाऊँ, बाय। निकल रही हो बस काम करके सारा, मेरी फ्रेंड्स वेट कर रही है मेरा। ठीक है चलो मैं जाऊँ फिर। एक्सक्यूज मी, एक बात तो बताओ यार, तुमने आईफोन और वॉच के लिए स्मूच कर लिया मुझे? आपने बोला था तो कर लिया, तो मतलब कोई भी आपकी फीलिंग्स को समझा मैंने? तुमने मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा, तुमने अपने आईफोन और वॉच के लिए अपनी फीलिंग्स को फीलिंग्स को समझा? सीरियसली यार, मैंने एक मजाक करी थी छोटा सा, मैं कोई लेस्बियन नहीं, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी, मुझे चाहिए अभी। अरे है मेरा, ये मैंने मेहनत से कमाया, मैं मजाक करी थी एक छोटा सा, ऐसे नहीं, तो आप ऐसे किसी के साथ प्रैंक करोगे? नहीं, ये शर्म नहीं आती यार, गोल्ड डिगर हो तुम, देखना यार क्या कर रही हो यार, पैसों के लिए और तुमने स्मूथ मार लिया। मतलब कल को कोई भी लड़का लड़की ऐसे तुम्हें बोलेगा रैंडमली आके पार्क में, तो तुम उसके साथ कुछ भी कर लोगी? नहीं था, पर तुमने कैसे ले लिया ये? बस हद है यार, शर्म, हाँ शर्म आनी चाहिए। अरे यार तुम्हारा चुम्मा मैंने वापस दे दिया, जाओ। कितनी बदतमीज लड़की, फोन दो तुम, लेस्बियन गर्ल।